खरगोन कृषि उपज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम का आयोजन संपन्न कराया गया, जिसमें सांसद गजेंद्र पटेल, जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, SP धर्मवीर सिंह, भाजपा कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुबह से ही देश भर में जगह जगह योग कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस दौरान सांसद गजेंद्र पटेल ने बताया कि दुनिया के 177 देशों में आज योग दिवस मनाया गया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को रोजाना योग करने की सलाह देकर लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। जो इस प्रकार न पाए वो हाथों को सहारा ले सकते हैं, नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे, एकदम फोटो बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी कभी प्रधानमंत्री का संबोधन भी जो आपके सामने हुए, निश्चित तौर पर 2015 से इस देश में योग का एक नया संदेश गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में 177 देशों से भी ज्यादा लोगों ने इस दिवस की सहमति दी और आज दुनिया भर में आज योग दिवस के कार्यक्रम मन रहे हैं। दुनिया के सामने एक संदेश दिया कि योग से हमारा मन, हमारा शरीर, हमारे और यह संदेश भारत के, हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक ने ग्रहण किया है। और आपने देखा है कि आज जगह जगह पर योगाभ्यास हुआ है। योग एक दिन का काम नहीं है, योग प्रतिदिन का काम है। उसे कहते हैं कि योग करने से हमारा शरीर तो स्वस्थ होता ही है, परंतु हमारा घर और हमारा क्षेत्र ये भी मजबूती के आधार पर राष्ट्र को सशक्त करता है। और इसलिए आज का ये योग दिवस के अवसर पर यहाँ खरगोन में हम उपस्थित हैं। मेरे साथ सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुखगण उपस्थित हैं, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, हमारे टीचर्स, हमारे शासकीय अधिकारी, क्षेत्र की जनता, प्रशासनिक अधिकारियों के सभी कर्मचारी लोग उपस्थित थे। और इसलिए हर जगह पर योग दिवस आज अभियान चल रहा है और ये प्रतिदिन करने का भी संदेश देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे तमाम प्रकार के नेतृत्व करने वाले नेतृत्वकर्ता ये तमाम रेगुलर योगा करते हैं और उनका संदेश था कि हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और हम स्वस्थता के साथ में देश को मजबूत करें। कोरोना काल में भी हमने देखा है कि कोरोना काल के समय में भी जिस प्रकार से शरीर जिन्होंने योग किया है वो स्वस्थ रहे हैं और इसलिए ये संदेश उस समय से लेकर अभी तक चल रहा है। और मैं आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता से आह्वान करता हूँ कि हम नियमित योगाभ्यास करें, जिससे हमारा ध्यान, शरीर और हमारा मन स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे। पुनः इस अवसर पर मैं देश के प्रधानमंत्री को हृदय से धन्यवाद देता हूं और क्षेत्र की जनता से पुनः एक आग्रह कि रेगुलर अपन योगाभ्यास करें और हम तमाम प्रकार के रोगों से मुक्त रहें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।